अध्याय 7 परमेश्वर नु ज्ञान। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बोलिया, हे पृथा पुत्र, हवे सांभळ के तू केवी रीते मारी भावनाथी पूर्ण रही अने मन ने मारा मा अनुरक्त करीने योगाभ्यास करतो रही मने संपूर्णपणे संदेह रहित थई जाणी शकीश। हवे हूँ तने पूर्ण रूपे इंद्रिय गम्य तथा दिव्य एम बन्ने ज्ञान विषे कहीश। आ जाण्या पछी तारे जाणवा योग्य कशुज बाकी रहेशे नहीं। हजारों मनुष्यों माथी कोई एक सिद्धि पामवा प्रयत्न करेशे अने आ प्रमाणे सिद्धि प्राप्त करनारा माथी भाग्येज कोई एक मने वास्तव में जाने छे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ए आठ मारी विभिन्न भौतिक शक्तिओ छे। वड़ी हे महाबाहु अर्जुन, आ निकृष्ट शक्ति उपरांत मारी एक अन्य चढ़ियाती पराशक्ति पण छे के जे जीवोनी बनेली छे अने जे भौतिक प्रकृति साथे संघर्ष कर्या करे छे अने तेना संसाधनों नो उपभोग करे छे। सर्व सर्जायेला जीवोनो उद्भव आ बन्ने शक्तिओ मां रहेलो छे। आ जगत मां जे कई भौतिक अने आध्यात्मिक छे ते सर्वनी उत्पत्ति तथा विनाश रूप मने ज जाण। हे धनंजय, मारथी श्रेष्ठ एवं कोई तत्व नथी। जेवी रीते मोती दोरा मां गुंथायेला रहे छे तेवी रीते सर्व कई मारा आधारे रहेलू छे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हूँ पाणी मां स्वाद छू, सूर्य तथा चंद्रनो प्रकाश छू, वैदिक मंत्रों मां ओंकार छू, हूँ आकाश मां शब्द तथा मनुष्यों मां सामर्थ्य छू, हूँ पृथ्वी नी आद्य सुगंध तथा अग्नि नी उष्णता छू, हूँ जीव मात्र नु जीवन तथा तपस्वीओनु तप छू। हे पृथा पुत्र, जाणी ले के हूँ ज सर्व जीवोनु आदि बीज छू, बुद्धिमानोनी बुद्धि छू अने सर्वशक्तिशाली पुरुषोनु तेज छू, हूँ बलवानोनु काम तथा वासना रहित बल छू। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, धर्मना सिद्धांतोनी विरुद्धनु न होय तेवु जातीय जीवन हूँ ज छू। तू जाणी ले के सर्वभाव पछी ते सत्वगुणी होय, रजोगुणी होय के तमोगुणी होय ते बधाज मारी शक्ति द्वारा प्रगट थयेला छे। एक रीते हूँ सर्वकाय छू परंतु स्वतंत्र छू, हूँ भौतिक प्रकृतिना गुणों ने अधीन नथी बल्कि तेओ मारे अधीन छे। त्रण गुणों अर्थात सत्व, रज तथा तम द्वारा मोह पामेलू आ समग्र जगत गुणातीत तथा अविनाशी एवा मने जानतो नथी। भौतिक प्रकृतिना त्रण गुणों ने बनेली मारी आ दैवी माया ने जीतवी अत्यंत दुष्कर छे, परंतु जेवो मने शरणागत थई जाय छे तेवो तेने सरळताथी पार करी जाय छे। जे मनुष्य तद्दन मूर्ख छे, जेवो मनुष्य मां अधम छे, जेमनो ज्ञान माया वडे हराई गयु छे अने जेवो असुरोनी नास्तिक प्रकृति धरावनारा छे एवा दुष्टो मारू शरण ग्रहण करता नथी। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकारना पुण्यशाली मनुष्यो मारी भक्तिमय सेवा करे छे। दुखी अर्थार्थी जिज्ञासु अने जे परम सत्यना ज्ञानी शोधमां छे ते आमानो जे पूर्ण ज्ञानी छे अने शुद्ध भक्तिमां तलीन रहे छे ते सर्वश्रेष्ठ छे, कारण के हूँ तेने अत्यंत प्रिय छूं अने ते मने प्रिय छे। आ बधा भक्तो निसंदेह उदार मनवाला मनुष्य छे, परंतु जे मनुष्य मारा ज्ञान मां स्थित थयेलो छे तेने हूँ मारा पोताना आत्मा समान गणू छूं। ते मारी दिव्य सेवा मां तन्मय रहेतो होवाथी ते सर्वोच्च तथा सर्वता संपूर्ण ध्येय एवा मने निश्चित रूपे प्राप्त करे छे। अनेक जन्म जन्मांतरो पछी जे मनुष्य ने खरेखर ज्ञान थाय छे ते मने सर्व कारणों ना कारण जाणी
मारे शरणे आवे छे। आवो महात्मा अति दुर्लभ होय छे, जेमनी बुद्धि भौतिक इच्छाओ द्वारा हराई गई छे, तेओ देवोना शरणे जाय छे अने तेओ पोतपोताना स्वभाव प्रमाणे पूजाना विशिष्ट विधि विधानोने अनुसरे छे। हूँ जीव मात्रना हृदयमां परमात्मा रूपे विद्यमान छूं। कोई मनुष्य जारे कोई देवनी पूजा करवा इच्छे छे त्यारे हूँ तरत ज तेनी श्रद्धा ने स्थिर करूं छूं के जेथी ते मनुष्य ते विशिष्ट देवनी आराधना करी शके। आवी श्रद्धाथी युक्त थयेलो ते अमुक देवनी कृपा प्राप्त करवानो प्रयत्न करे छे अने पोतानी इच्छानी पूर्ति करे छे। परंतु वास्तविकता ए छे के आ बधा लाभ मारा थकी ज प्राप्त थाय छे। अल्प बुद्धि वाला मनुष्य देवोनी पूजा करे छे अने तेमने मळनारा फल सीमित तथा अस्थायी होय छे। देवोने पूजनारा लोको देवलोकमां जाय छे, परंतु मारा भक्तो तो मारा परम धामने ज पामे छे। मने पूर्ण रीते नहीं जाणनारा बुद्धिहीन मनुष्य माने छे के हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण पहला निराकार हतो अने हवे मैं आ व्यक्तित्व ने धारण कर्युं छे। तेमना अल्प ज्ञान ने कारणे तेओ मारी अविनाशी तथा सर्वोपरि प्रकृति ने जाणता नथी। हूँ मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाला माणस समक्ष कदी पोताने प्रगट करतो नथी। तेमने माटे हूँ मारी अंतरंग शक्ति द्वारा आवृत्त रहूं छूं अने तेथी तेओ जाणता नथी के हूँ अजन्मा तथा अविनाशी छूं। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तरीके हूँ जे कई भूतकाल में थयेलो छे, जे वर्तमान में थई रह्यो छे अने जे हवे थवानो छे ते बधु जाणु छूं। हूँ सर्वजीवों ने जाणु छूं, परंतु मने कोई जाणतो नथी। हे भारत, हे शत्रु विजेता, सर्वजीवो जन्म लेने इच्छा तथा द्वेष्टि उत्पन्न थता द्वंद्वो थी मोहग्रस्त थईने आसक्ति के मोहने पामे छे। जे मनुष्योए पूर्व जन्ममां तथा आ जन्ममां पुण्य कर्मो कर्या छे अने जेमना पाप कर्मो समूळगा नष्ट थया छे तेओ मोहना द्वंद्वोथी मुक्त थई जाय छे अने मारी सेवामां दृढ़ निश्चयपूर्वक परोवाई जाय छे। जे बुद्धिशाळी मनुष्यो जरा तथा मरणमांथी मुक्त थवा प्रयत्नशील रहे छे तेओ मारी भक्तिनो आश्रय ग्रहण करे छे। तेओ वस्तुतः ब्रह्म छे, कारण के तेओ दिव्य कर्मो विषे पूर्णपणे जाणे छे। जे मनुष्य मने परमेश्वर ने मारी पूर्ण चेतना में रहीने मने जगतनो देवोनो तथा यज्ञनी सर्व पद्धतिओनो नियामक जाणे छे, तेओ पोताना मृत्यु समये पण मने भगवान तरीके जाणी तथा समझी शके छे।